हेलो फ्रेंड्स, तो इस सेशन में हम रिक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। जो रिक्टेंगल है वो हम ऑटोकैड में किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें देखना होगा भी जो रिक्टेंगल है वो हमें इसमें दिखेगा कहाँ पर। तो रिक्टेंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर रिक्टेंगल पर टिक करना है, ठीक है। और अगर इसका शॉर्टकट आपने देखना है तो REC आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, देन एंटर। और ये पूछ रहा है सबसे पहले हमें स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। और अब हमें नीचे यहाँ पर कमांड लाइन में दिख रहा है तीन टाइप्स के। हम इसमें तीन तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे डायमेंशन है, अगर हम डायमेंशन पर क्लिक करेंगे तो हमें इसकी जो रिक्टेंगल की लेंथ और इसकी जो वेड्थ है वो हमें सीधी डायरेक्ट इसमें एंटर करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जो लेंथ है वो रखता हूँ 50, देन एंटर एंड स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ रिक्टेंगल। तो विड्थ जो है मैं वो उसकी रख देता हूँ 20, देन एंटर। अब हमें इसको क्वाड्रेंट देना पड़ेगा, मतलब अगर हम कर्सर को इधर मूव करेंगे तो ये क्वाड्रेंट शो कर रहा है हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के, ठीक है ना। तो आप जिस भी आपको डायरेक्शन में चाहिए, मान ली इधर इस डायरेक्शन में चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इस डायरेक्शन में चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए मुझे यही चाहिए तो मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा रिक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये तो था हमारा डायमेंशन का। इसको हम शॉर्ट में कैसे RECT भर कर देन एंटर, एक पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में D फॉर डायमेंशन, और हम कोई भी डायमेंशन दे 10 एंटर, उसके बाद में 20 एंटर। हमें फिर से REC देन एंटर और स्पेसिफाई एंटर कॉर्नर देना पड़ेगा, एक पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एरिया, तो एरिया पर क्लिक करोगे तो अब हमें टोटल एरियाज को भरना पड़ेगा, मतलब हमें जो ये उसका कितना स्क्वेयर फुट एरिया बनता है हमें उतना फिल करना पड़ेगा। जैसे मुझे 100 भर दिया, देन एंटर। अब ये पूछ रहा है आप एक इसकी कोई भी, चाहे तो उसकी लेंथ बता दीजिए चाहे उसकी वेड्थ बता दीजिए, ठीक है। तो वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको उसका एरिया के अकॉर्डिंग इसकी वेड्थ या लेंथ आपको अपने आप बता देगा। जैसे मैंने अगर लेंथ इस पर स्पेसिफाई कर दी तो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लीजिए मैंने लेंथ कर दी इसकी, और लेंथ मैंने 10 mm कर दी, ठीक है। तो ये 10 by 10, मतलब 10 by 10 100 जो स्क्वेयर फुट का जो हमारा रिक्टेंगल है वो बन गया है। उसके बाद में फिर हम दूसरी टाइप का जो लास्ट टाइप है हमारी जो, वो हम देखते हैं रिक्टेंगल की। तो हमको फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद में है रोटेशन। तो रोटेशन हमें अगर किसी एंगल पे कोई जो रेक्टेंगल बनाना है किसी एंगल पे, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो एंगल बनना है जैसे 45 degree, देन एंटर। उसके बाद में हमारा सेम वही प्रोसीजर है, चाहे आप डायमेंशन क्लिक कर सकते हो चाहे एरिया। और मान लीजिए अगर आपने शॉर्ट कट देना है तो डी फॉर डायमेंशन, डी एंटर। और अब इसकी जो हमारी डायमेंशन है वो आप भर दीजिए, जैसे 50 इसकी हमारी लेंथ थी और 20 हम इसकी वेट रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये आ गया, अब हमें क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है उसी तरह, मान लीजिए हमें ये सेलेक्ट कर। तो ये हमारा एंगल पे, जो एंगल पे कोई भी रेक्टेंगल बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रोटेशन वाला पोर्शन। तो ये था रेक्टेंगल कमांड।